नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिग अनबॉक्सिंग के अंदर। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। मैं योगेश चौधरी आज आपके लिए ले आया हूं 75 लीटर का ब्लू स्टार का एयर कूलर। सो गाइस, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के प्राइस की, प्रोडक्ट के क्वालिटी की और प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो आइए इस प्रोडक्ट को अब हम करीब से देखते हैं। सो दोस्तों, ये 75 लीटर के एयर कूलर का फ्रंट फेस है। ऊपर की साइड आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। यहाँ पे दो बटन से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे बटन से आप स्विंग और पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस जो एयर कूलर का फेस है वो काफी जो बड़ा फेस है, इससे क्या होगा, जो हवा होती है वो काफी ज्यादा एरिया कवर कर सकती है। एंड इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों आपको इसके अंदर स्विंग्स देखने को मिल जाते हैं। एंड नीचे की साइड आपको वाटर इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको बार बार कूलर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद आपको वाटर लेवल का ऑप्शन मिल रहा है, आप बाहर से इजीली देख सकते हैं कि कूलर के अंदर वाटर का क्या लेवल है, मिनिमम है, मीडियम है या मैक्सिमम है, तो आप इजीली बाहर से गैस कर लेंगे। अगर इसके अंदर पानी कम हुआ तो आप वापिस से पानी फिल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल नीचे आपको टायर्स मिल जाएंगे। जो टायर्स हैं वो एयर कूलर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, आप इजीली रोटेट कर सकते हैं। एंड अलग से आपको जो है स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आपको जो कॉस्ट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं इस एयर कूलर के साइड्स की। इस एयर कूलर के अंदर आपको 3 साइड मिल जाएगी एंड तीनों साइड आपको हनीकॉम्ब पैड मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनीकॉम्ब पैड की लाइफ 5 से 6 साल होती है। सो आपको बार बार जो साइड के जो पैड्स हैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक फायदा है हनीकॉम्ब पैड वाले कूलर को लेने का। जो नॉर्मल पैड होते हैं वो आपको हर साल बदलना पड़ता है, लेकिन जो हनीकॉम्ब पैड है उसकी जो लाइफ लाइन होती है वो 5 से 6 साल होती है। सो 5 से 6 साल आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अगर आपको पैड बदलने हैं या नहीं बदलने हैं। एंड उसके बाद अगर आपको अगर इसको ओपन करना हो, जो इसकी अगर साइड्स ओपन करनी हो, तो इसकी सिर्फ बैक साइड ओपन होती है, ऊपर की साइड आपको नट मिल जाएंगे। एंड दोनों साइड्स में आपको ये जो लॉक्स हैं ये आप मिल जाएंगे। आप पहले नट को ओपन कीजिए एंड बाद में आप इन लॉक्स को ओपन करना, तो जो बैक वाली साइड है वो ओपन हो जाएगी। सो इस तरह से आप कूलर की साइड्स को ओपन कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पे साइड में कुछ स्टिकर पर इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। एंड सेंटर में आपको वाटर इनलेट का ऑप्शन भी मिलेगा, आप यहाँ पे पाइप फिक्स करके छोड़ सकते हैं। आपको बार बार बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पाइप फिक्स करके छोड़ दीजिए। आप टैप ऑन करेंगे तो पानी इसके अंदर आ जाएगा, फिर बाद में आप टैप ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो बहुत ही जो हैंडी जो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप सीधा पाइप से इस एयर कूलर को फिल कर सकते हैं। एंड एयर कूलर के बिल्कुल जो नीचे की साइड में आपको यहाँ पे टायर्स मिल जाएंगे, रोटेटिंग टायर्स है। आप एयर कूलर को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इजीली आप एयर कूलर की जो साइड्स है उसको रोटेट कर सकते हैं। एंड बिल्कुल नीचे की साइड में आपको जो ड्रेन आउट का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। आपको अगर एयर कूलर को अंदर से साफ करना है, सारा पानी बाहर निकालना है, तो ये आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लग को आउट करेंगे तो जो सारा पानी है वो बाहर आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत इजी सारा काम जो इसके अंदर हो जाता है। एंड ये इस एयर कूलर की खासियत है। इस एयर कूलर के अंदर हमें यहाँ पे ऊपर की साइड आइस बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, 8 से 12 आइस क्यूब्स इसके अंदर स्टोरेज का ऑप्शन है, आप डालिए और जितना भी जो आइस क्यूब्स का पानी होगा वो उस होल के थ्रू कूलर के अंदर चला जाएगा और अंदर वो सीधा वाटर टैंक के अंदर नहीं जाएगा, वो पानी डायरेक्ट है जो हनीकॉम्ब पैड्स के ऊपर चला जाएगा। सो उससे क्या होगा, जो सीधा जो डायरेक्ट है ठंडा पानी है वो हनीकॉम्ब पैड के ऊपर जाएगा एंड उससे जो एयर सीधे डायरेक्ट कूलर के अंदर आएगी वो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। एंड वो उससे क्या होगा कि जो रूम का टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। उसी वजह से ये एयर कूलर्स होते हैं, इनको एसी कूलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडक है वो ये जो बना देते हैं एंड जो उमस को है काफ़ी हद तक ये कम कर देते हैं। एंड यहाँ पर कंपनी की तरफ से टेस्टेड एंड ओके का स्टिकर लगा हुआ है। एंड फ्रंट में आप देख रहे हैं कि हनीकॉम्ब पैड और वुडवुल पैड कैसे काम करते हैं, ये टेक्नोलॉजी है जो हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, उसका अलग से स्टिकर लगा हुआ है। सो होप गाइज आपको इस प्रोडक्ट का जो ओवरव्यू है, जो प्रोडक्ट की वीडियो है, वो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के हम प्राइस रेंज के बारे में। तो जो इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज रहेगी वो रहेगी 11.5 से लेकर 12 हज़ार रुपये के बीच में। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूँ, अगर आपको इससे सस्ते में ये प्रोडक्ट मिल रहा हो तो आप उसको एज ए ऑफर भी ले सकते हैं, अगर आपको इससे महंगे में ये प्रोडक्ट मिल रहा हो तो आप उसको मत लीजिए। और इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ही वेरियंट, एक ही मॉडल मिलेगा, इसके अंदर रिमोट वाला मॉडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बात करते हैं इस कूलर के अंदर आपको
जो कूल होम की किट है वो मिल जाएगी। एंड इस प्रोडक्ट की वारंटी है वो है 1 साल की वारंटी है विदाउट प्लास्टिक पार्ट्स। प्लास्टिक पार्ट को छोड़कर इस कूलर की, एयर कूलर की 1 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। एंड गाइज, आपको अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल पर जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑल ओवर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप कॉमेंट बिलो करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगी या आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। सो होप दोस्तों आपको जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और बिग अनबॉक्सिंग पर यूं ही बने रहने के लिए और बिग अनबॉक्सिंग को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।